Hey, तो कैसे हो यार तुम सभी लोग। अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब है कि तुम भी एक यूट्यूबर क्रिएटर हो और तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा जो चैनल है वो बहुत ही कम समय में अच्छे खासे व्यूज़ और सब्सक्राइबर के साथ ग्रो हो जाए। तो यार अगर तुम भी यूट्यूब पर ये सर्च करके थक चुके हो कि हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल या कैसे अपने यूट्यूब चैनल को बहुत ही कम टाइम में अच्छा खासा उसको ग्रो कर सकें, तो यार इस टॉपिक पर यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी हुई हैं और बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने ऐसी खिचड़ी बना रखी है यार कि कुछ समझ ही नहीं आता कि किन टिप्स को हम फॉलो करें और किन टिप्स को फॉलो ना करें या फिर कौन सी टिप्स हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। वैसे मेरा नाम आर्यन है और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यानी कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है 5 टिप्स टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में मैं तुमको ऐसे 5 टिप देने वाला हूँ जो कि सभी यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं और उनका चैनल बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर जाता है, पर उनकी जगह पर जो छोटे यूट्यूबर्स हैं या फिर जिनका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर पाता है वो हमेशा यही सोचते हैं कि यार ये जो टिप्स होती हैं फालतू की होती है, कुछ भी वर्क नहीं करती हैं। पर फ्रेंड्स ये सारी की सारी ट्रिक्स वर्क करती हैं और इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो यार तुम्हारा चैनल कन्फर्म ही ग्रो होगा। तो यार बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं हमारी पहली टिप की तरफ। तो यार हमारी जो पहली टिप है वो है फेसबुक ग्रुप्स। हाँ फ्रेंड्स, फेसबुक ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप यूट्यूब पर अपना करियर बनाना चाहते हो। यार देखो फेसबुक ग्रुप्स में क्या होता है कि आपके बहुत सारे ऐसे यूजर्स आपको मिल जाएंगे जो कि वैसे ही वीडियो देखना चाह रहे हैं जो कि आप क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो यार इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ ना मेरे भाई, क्यों आप किसी तरह के सपोर्ट सब के पीछे पड़ते हो। यार देखो सपोर्ट सब वाले जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनको कभी भी ज्वाइन मत करना, ये आपके चैनल को एकदम डेड कर देंगे। हमेशा अपने जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड ही आपको ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। देखो अगर आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट बना रहे हो तो अगर उसको आप किसी अगर टेक्नोलॉजी वाला ग्रुप चैनल है अगर उस पर आप पोस्ट करोगे तो यार कोई क्यों देखना जाएगा, उनको इंटरेस्टेड होगा यार ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर टेक्निकल को बता रहे हो तो कोई नहीं देखेगा, इसलिए अगर आपका टेक्निकल वाला चैनल है तो आप ब्यूटी वाले पे अपलोड नहीं कर सकते हो ना, वहाँ पर जाकर आप पोस्ट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ऐसे ग्रुप्स को सर्च करो फेसबुक ग्रुप्स को जो कि यार आपकी नीश से रिलेटेड हो, ठीक है ना। देखो यार यूट्यूब आपको इनिशियल जो आपके व्यूज़ होते हैं वो कभी भी नहीं देता, तो यार उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे ग्रुप्स को ढूंढो फेसबुक पे जा करके और हो सकता है कि वहाँ पे पहले से कुछ पोस्ट हो और वहाँ पे कमेंट में कुछ क्वेरी दे रखी हो या किसी की और कुछ क्वेश्चन कोई पूछ रहा हो, तो यार उसको अगर आप सॉल्व कर सकते हो ना तो सॉल्व करने की कोशिश। सेकंड टिप निकल के आती है यूट्यूब की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यूट्यूब से भी व्यूज़ को ले सकते हो। अब फ्रेंड्स ये होगा कैसे, अब आप खुद को एक जो है कंपनी का मालिक समझ लीजिए और समझिए कि आपने जो है एक प्रोडक्ट को बनाया है। अब वो प्रोडक्ट चाहे जितना ही अच्छा हो जब तक कि वो कस्टमर को पता नहीं चलेगा कि यार तुमने एक प्रोडक्ट को बना रखा है ना, कोई भी उस प्रोडक्ट को ख़रीदने नहीं आएगा। यहाँ तक कि फ्रेंड्स किसी को पता भी नहीं होगा कि यार प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। अभी आप क्या करोगे, मार्केटिंग के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं कि जैसे लोगों को फ्री सैंपल वो लोग बांटते ना, तो हम क्या करेंगे जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, तो यार आपकी फील्ड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ब्यूटी प्रोडक्ट में घुस जाओ। तो यार अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, जैसे कि अगर मैं टेक्निकल रिलेटेड चैनल है तो मैं क्या करूंगा, टेक्निकल गुरुजी या फिर टेक्निकल दोस्त ये किसी भी चैनल पे जाऊंगा और उनके कमेंट को मैं स्क्रॉल करूंगा। देखो कमेंट में यार बहुत सारे लोग उनको कमेंट करते हैं तो वो बहुत लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आपको उन कमेंट को देखना है और देखना है कि उन कमेंट में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप उन क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकते हो या फिर अगर आपको आता है अगर आप उस पर वीडियो डाल सको तो बहुत अच्छी बात है। ये स्ट्रेटेजी फ्रेंड्स बिल्कुल वर्क करती है और इसी स्ट्रेटेजी को यूज़ कर बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत जल्दी ही ग्रो करते। तो अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे अगली टिप की तरफ जो कि है इंस्टाग्राम से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम, क्या आप भी दिन भर बैठ करके सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हो और अपना टाइम को वेस्ट करते हो? तो यार सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए नहीं है बल्कि आपके यूट्यूब चैनल और आपके करियर को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब इंस्टाग्राम से आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करोगे कैसे, देखो उसके लिए करना क्या है, जैसे कि हमने फेसबुक पर अपने से रिलेटेड जो भी क्रिएटर्स थे या फिर जो भी ग्रुप्स थे उनको ज्वाइन किया था, वैसे हम इंस्टाग्राम पर करने वाले हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम सर्च करेंगे जो भी आपकी नीश है उससे रिलेटेड क्रिएटर्स। अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं तो यार मेरा टेक रिलेटेड चैनल है, ठीक है ना, तो मैं वहां पर जाऊंगा और वहां पर सर्च करूंगा टेक बर्नर या टेक्निकल दोस्त,
तो यार जैसे कि मैंने टेक बर्नर सर्च किया और वहाँ पे टेक बर्नर की प्रोफाइल आ चुकी है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, इनके फॉलोअर्स अभी आपकी तुलना में बहुत ज़्यादा हैं, यानी अगर मैं आपसे कंपेयर करूँ तो बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर्स इनके पास हैं। तो यार आप क्या कर सकते हो, इनकी भी आप पोस्ट पर कमेंट देख सकते हो और वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उनका जवाब दे सकते हो। और फ्रेंड्स आपको करना ये है कि आप इनके फॉलोअर्स की लिस्ट में जाओगे और उनको एक एक करके फॉलो करोगे। देखो यार, इससे आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और तो और फ्रेंड्स आप उनसे जो है इंटरेक्शन बना सकते हो, है ना, आप उनसे जो है बात कर सकते हो, उनको डीएम कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स ये बिल्कुल डीएम मत करना कि यार सब फॉर सब, या फिर यार ये मेरा अकाउंट है और डायरेक्ट से उनको लिंक कर दो। यार ये बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगता है, ठीक ना, कि आप किसी के भी अकाउंट पर जाओगे, या फिर आप खुद सोचो ना कि अगर आपके अकाउंट पर कोई ऐसे ही मैसेज आ जाए तो क्या आप डायरेक्ट क्लिक कर दोगे? तो यार ऐसे नहीं, एक बढ़िया सा एक आपको मैसेज क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे तो आप उसको क्रिएट करके कहीं पर सेव कर लो और उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है ना। उसका एक एग्जांपल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो कुछ इस तरह का आपको एक मैसेज बढ़िया से करना है और उसके नीचे आपको करना है अपने यूट्यूब चैनल की लिंक को, या फिर जो भी आपकी यूट्यूब की वीडियो है उसकी लिंक को आपको नीचे पेस्ट कर देना है। तो उससे होगा क्या कि यार जो वहाँ पर यूज़र है उसको थोड़ा सा आप प्रोफेशनल लगेगा और वो हो सकता है कि क्लिक करें, तो आपको आपके वहाँ से यानी कि इंस्टाग्राम से आपको आपके 100 जो सब्सक्राइबर हैं वो आपको 2 दिन के अंदर मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो सब्सक्राइबर होंगे जेन्युइन होंगे, ये उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि आप क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो यार इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर ग्रो कर लोगे। लेकिन अब ये कैलकुलेट करने मत बैठ जाना यार कि देखो अगर 2 दिन में 100 सब्सक्राइबर हो रहे हैं तो यार 20 दिन में हमारे जो है 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। देखो ऐसे सब्सक्राइबर किसी काम के नहीं रहेंगे, वो आपके चैनल को डेड कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब आपको करना क्या है, अभी आप क्या करो कि उन सब्सक्राइबर्स को कैसे एक्टिव रखना है अपने चैनल पर, आपको इस पर फोकस करना है। तो फ्रेंड्स अगर वो एक्टिव रहेंगे, वो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उनके सभी कमेंट्स का आपको जवाब देना है। हो सकता है फ्रेंड्स वो आपको क्वालिटी इम्प्रूव करने के बारे में बोलें, तो आपको देखना है कि आपकी वीडियो में कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर उनको मज़ा नहीं आ रहा है, तो आपको उस हिसाब से अपने कंटेंट को सुधारना है। ये 100 सब्सक्राइबर फ्रेंड्स आपको बहुत ही आसानी से वायरल कर सकते हैं। तो आपको अब क्या करना है इसके बाद, वो आएगी हमारी नेक्स्ट टिप में। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप पे। तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट टिप है थंबनेल, टाइटल और क्वालिटी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपके पास व्यूवर्स आ तो गए लेकिन ना आपके थंबनेल अच्छा है, ना तो उसका टाइटल ही अच्छा है और ना ही आपकी वीडियो में क्वालिटी है, तो वो बिल्कुल भी आपके चैनल पर रुकने वाले नहीं हैं और अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। फिर तो यार तुम लोग मुझको बोलोगे कि यार जो भी तुमने टिप्स बताई थी वो वर्क नहीं करती हैं। तो यार सभी टिप्स वर्क करें, इसके लिए आपकी वीडियो क्वालिटी में दम होना चाहिए, थंबनेल भी आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी कि जिससे CTR आपका बढ़े, क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं उसको, जैसे कि यूट्यूब आपके वीडियोज़ को शो करता है और उसने जितने लोगों को शो किया है उसमें से कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है। तो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है थंबनेल और टाइटल आपकी वीडियो के लिए। थंबनेल और टाइटल का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से रखना चाहिए कि वो एक स्टोरी टेल कर रहे हो, है ना, कि ऐसा अलग से अलग लग रहा हो कि यार थंबनेल कुछ और ही कह रहा है और टाइटल कुछ और ही कह रहा है, जिससे कि जो भी आपके व्यूवर्स हैं उनको समझने में प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से क्लिक कर सकें। अभी एग्जाम्पल के तौर पर यार तुम ये 2 थंबनेल को देखो, अब तुम खुद बताओ इनमें से तुमको कौन सा अच्छा लगा। आई नो फ्रेंड्स कि तुमको ये जो राइट वाला थंबनेल है ये तुमको ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि यार देखो यहाँ पर 2-3 यूट्यूबर्स को, या फिर मैं कहूँ 2-3 नोन जो पर्सनालिटी हैं उनको मैंने जो है एज आ कंपैरिजन दिखा दिया है। तो वहाँ पर क्या होगा कि यार तुम जल्दी से क्लिक कर दोगे, है ना, वहीं लेफ्ट राइट थंबनेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह का अट्रैक्टिव और क्लिकेबल जो है आपको थंबनेल बनाना चाहिए। अगर फ्रेंड्स तुमको थंबनेल पर पूरी डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे थंबनेल को क्रिएट करते हैं, कैसे थंबनेल का SEO करते हैं, किस किस कलर को यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो CTR है वो बढ़ जाए, यानी क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाए, और फ्रेंड्स जैसे ही CTR बढ़ेगा यानी कि आपके व्यूज़ बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो जाएंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ बगल में नोटिफिकेशन बेल दी होगी उसको भी क्लिक कर दो ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल सके। अभी बात करते हैं फ्रेंड्स टाइटल की। टाइटल हमेशा छोटा होना चाहिए और फ्रेंड्स अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब उसमें तुम पूरी रामकथा लिख दोगे यार तो कौन उसको पढ़ने वाला है, लेकिन अगर छोटा और अट्रैक्टिव होगा तो आदमी आसानी से उसको पढ़ लेगा और उस पर क्लिक कर देगा। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी में आपको वॉइस क्वालिटी को जरूर ध्यान रखना है। तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, अब बिना टाइम को वेस्ट के चलते हमारी 5th और लास्ट टिप। फ्रेंड्स हमारी 5th और लास्ट टिप है
शेयर योर वीडियो टू योर पोटेंशियल ऑडियंस। फ्रेंड्स, इसका हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप अपनी वीडियो को शेयर कर रहे हो, अब ऐसे नहीं कि तुमने वीडियो क्रिएट कर दी, थंबनेल भी अच्छा है, टाइटल भी अच्छा है, अभी जो आपको इनिशियल व्यूज चाहिए अब उसके लिए आप अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप कर रहे हो। ऐसा फ्रेंड्स कभी भी मत करना कि अपने किसी भी फ्रेंड को वीडियो भेजना, अगर तो वो इंटरेस्टेड है उस टॉपिक पर तभी उसको भेजना, नहीं तो क्या करेगा वो 10-20 सेकंड देखेगा, लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा और चला जाएगा। इससे फ्रेंड्स आपका वॉच टाइम गिर जाएगा, और अगर एक बार वॉच टाइम गिरा यानी कि यूट्यूब को लग जाएगा कि ये वीडियो अच्छी नहीं है और इस वीडियो को ग्रो नहीं करना चाहिए, तो वो आपकी वीडियो को आगे पुश नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे लोगों को आप सेलेक्ट कर लो जिनको फ्रेंड्स आपकी बनाई हुई वीडियोज़ में इंटरेस्ट है, और फ्रेंड्स वो उस वीडियो को पूरा देखें। इससे होगा क्या कि आपका वॉच टाइम बढ़ेगा और यूट्यूब को लगेगा कि यार इस वीडियो में कुछ तो दम है, तो फ्रेंड्स वो इस वीडियो को और आगे पुश करेगा। तो फ्रेंड्स इससे आपके वीडियोस पर व्यूज़ भी बढ़ेंगे और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो यार ये कुछ 5 टिप्स थी जो कि यूट्यूब ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फ्रेंड्स बहुत सारे यूट्यूबर्स इसका यूज़ करते हैं। अब ये मत सोचना कि यार सारी टिप्स बेकार हैं, सारी टिप्स वर्क करती हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।